गुड मॉर्निंग, किदा कैंटो सारे। मैं ऋषि के लिए ना जो टेडी बियर लाई थी ना कल अपनी शान पट्टी से, वो मैं उसको चुपके से देती हूँ। वो सो रहा, उसे कुछ नहीं पता। गुड मॉर्निंग, हैप्पी टेडी बियर डे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये देखो कुत्ता। कुत्ता क्या, पर कितना क्यूट है ना वहाँ पे, मुझे यही अच्छा लगा था। बहुत अच्छा, देखो कितना क्यूट है। जैसे आपने मुझे पिंक रोज दिया था, वैसे मैंने आपको पिंक हार्ट दिया। हैप्पी टेडी बियर्स डे। एक दो तीन चार पाँच, फाइनली रूम को बाय बाय। अब वी वांट टू थैंक यू सो मच। किदां कैंटो सारे, नहा धो के रेडी हैं। ब्रेकफास्ट अभी नहीं गया है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, हालांकि हयात वालों ने पैक कर दिया। थैंक यू। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया कैमरा अलाउड। हम पहुंचे हैं दुबई फ्रेम। जैसे कि हमेशा दुबई के एक वो होती है ना, उत्सुकता होती है कि दुबई पहले कैसा था, कहाँ पे क्या होता था, अब वहाँ पे क्या चीज़ है और आने वाले सालों में क्या चीज़ होगी। इस फ्रेम में वही ही सारा दिखाया हुआ। जस्ट टू गिव द रियल फील ऑफ शॉप, ये 3D फोटो लगाई है कि पता चले कि हाँ रियल में काम हो रहा है। एक्चुअली ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन कॉर्नर मूव करने के लिए यहाँ पे लिखा है स्वाइप लेफ्ट और राइट, तो हमें हम स्क्रीन पे लगे हैं टच करके, क्योंकि अपने को आदत है टच करने की, टच कर रहे हैं। और रियलिटी में टच भी नहीं करना, सिर्फ हाथ को हवा में ऐसे करना, वो स्क्रीन चेंज हो जाती है, जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तुम दुबई को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने बोला दैट मींस ये सारा दिखाया है कि कैसे दुबई में पोर्ट बनने शुरू हुए और कैसे एयरपोर्ट बनने शुरू हुए, यहाँ पे वो ईयर बाय ईयर आता है। अब मुझे समझ आया है कि इस चीज़ को यहाँ पे ही क्यों बनाया गया है। पता क्या है, इसको दुबई फ्रेम क्यों कहते हैं। अगर हम इस तरफ देखेंगे तो सारा नया दुबई दिखता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, सब कुछ ऊंचा ऊंचा, जो नया दुबई है। अब उस साइड आओ और इस साइड दिखता है पुराना दुबई, दुबई का पुराना आर्किटेक्ट कि पुरानी तरह में दुबई कैसा होता था। तो दुबई फ्रेम नया पुराना कैसे होता था। इस वक्त तक फ्यूचर दुबई में वॉक कर रहे हैं। ये भी देखो। ओ यार देखो। मम्मी कहती है आप ये कम लेके आए हो, ये कम लेके आए हो। ये भाई हैं अपना पाकिस्तान से, पेशावर से, और ये अपना हम अपना इंडिया और पाकिस्तान की कहानियाँ शेयर कर रहे थे। एक्चुअली ये बता रहे थे कि जैसे हमारे इंडिया में कोई बाहर से आता है तो अपने रिश्तेदारों का एक्सपेक्टेशन होती है ना, हमारे लिए ये लेके आएगा, ये लेके आएगा, तो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अभी हम पहुँचे हैं गोल्ड सुख, मतलब कि यहाँ पे सोना ही सोना है, सोना ही सोना। एक चीज़ जिसको देख के मेरा ओ निकला था, रियलिटी में ये सेट नहीं है, ये टी शर्ट है। ओह यार, ये चीज़ें तो पहली बार देख रहे हैं ना यार। मतलब मैंने वो साउथ साइड में देखा। ओ इधर देखो, ओ तुरी मुंदरी देखो। रिंग रिंग, मतलब कि वहाँ पे शॉर्ट ड्रेस तो पहनने की जरूरत ही नहीं है, पूरी वन पीस ड्रेस बनाई हुई है। ये है दुनिया की सबसे हैवी गोल्ड रिंग, दुनिया की
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से। इसका प्राइस क्या है? मैं इसका पता नहीं यार, पूछ गई तो पूछने के लिए भेजा था तेरे नहीं, को मैं तो देखने गई थी, कम से कम पता तो होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मैं जाना। जितना आगे बढ़ी जाओ ना, जितना आगे बढ़ी जाओ ना, उतना पता क्या निकलता है। ओ उस इस शॉप पे सच में यार, मैं मेरे तो ओहो भी नहीं निकल रहा। इस शॉप पे देखो, ओ माय गॉड भाई, उसका प्राइस पता क्या है? 7.5 लाख धीरम। अब उसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो, 1.5 करोड़ के आसपास बन जाएगा। ज़्यादा नहीं, बहुत बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। 1.5 करोड़ रुपया, ऐसे हमारे इंडिया में लिखा होता है ना, रजाइयाँ ही रजाइयाँ, गद्दे ही गद्दे, सिराने ही सिराने, यहाँ पे लिखा सोना ही सोना। अभी हम पहुँचे हैं इतर लेने के लिए, और वो है अजमल, पाकिस्तानी भाई मिले, उन्होंने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे आना, इसलिए मैं यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ से सोना तो अपन ने क्या लेना, लेकिन यहाँ से अपने पिताश्री को मैंने बताया, मेरे पिताश्री को परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो पिताश्री के लिए ले आए अपन ने इतर, पर मैंने अपने लिए और शरीर के लिए भी, तो ऑब्वियस है, शरीर के लिए तो ऑब्वियस है, वहाँ पे जमीन पे लेट गई वहाँ पे भाई एक। अच्छा, ऐसा मैं ले नहीं रहा था, ये सिर्फ ऐसे बोल देते हैं, बट ना अपने आप बोल देते हैं, साउंड सुनिए, एक्सटेंशंस थे, तू गर्दन सीधी रखे, ऐसे ऐसे नहीं करनी, पहले बोल रहा हूँ तेरे को, चल सीधी। अरे आजा आजा आजा, अरे बिग डिजाइन है, अब नहीं रुके। हाँ, एक चीज लेगी आखिरकार, फिर रुक गई, चल ठीक है, चल। तो ये हयात वालों ने नई कार ली है, और वी आर द फर्स्ट वन जिनके लिए यूज की जा रही है। जाते जाते भी दुबई तुम्हें एक और एक्साइटमेंट दे रहा है। दुबई इज दुबई, है ना, हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि हयात वालों ने हमारे लिए एक नई गाड़ी खरीदी है। बिल्कुल कह सकते हैं, ये सब मजाक की बातें हैं, फुकरी मत समझ। हम पहुंच गए हैं दुबई एयरपोर्ट, क्योंकि आज है हमारे इंडिया की वापस फ्लाइट, एंड ये कैमरा मैं बंद कर रहा हूँ फॉर वेरी 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 ऑब्वियस रीजंस। मैं आपको मिलता हूँ फ्लाइट में बैठ के, सारा काम करवा के। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दुबई का एयरपोर्ट बहुत ही तगड़ा होगा, तो हमने थोड़ा जल्दी आ गया कि चल एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सक्यूज मी, करेक्ट योर वर्ड, थोड़ा जल्दी नहीं, ऑलमोस्ट एक सुबह आके बैठे थे, इतनी जल्दी आ गए, इतनी जल्दी आ गए कि डायनासोर अभी घूम ही रहे थे यहाँ पे। डायनासोर घूम ही रहे थे यहाँ पे, वो बस खत्म हुए। सरी कर रही है चिल, और ऋषि पे कर रहा है बिल, फुद्दू शायरी, फुद्दू शायरी। बस कोई हमारा कैमरा ना देख रहे, नहीं तो जो ये हंसी आ रही है ना, ये पता मेरा फेस कैसे बन रहा है, अभी तो बन भी नहीं रहा। यहाँ पे मैं 5 व्लॉग लेके मेरे लैपटॉप पे जाना है, डाटा पे जाना है, दुबई डे 1, दुबई डे 2, दुबई डे 3, दुबई डे 4, दुबई डे 5 लिखा हुआ है वहाँ पे, सारे दुबई के व्लॉग्स पड़े हैं। मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मुझे लगा कि नहीं ना, यहाँ पे ना मेरा लैपटॉप चेक ना करने और सारे मेरे ना डाटा डिलीट ना करवा दे। मैंने क्या किया, सारा डाटा ना एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड्स में कॉपी किया, और उन मेमोरी कार्ड्स को ना किसी पैंट की ना पॉकेट में डाला हुआ। वो धीरे बोलो भाई, यहाँ पे हिंदी सबको समझ आती है। और यार एक तो बड़ा पंगा है यहाँ पे तो गोरों को भी हिंदी समझ आती है। कुछ नहीं था एक्चुअली, हम इतने हंसी मजाक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मुझे पता है कि वो इतनी बड़ी डील नहीं थी, वो तो जस्ट बट सच बताना एक बस सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया और उसने कर दिया। बट उस वक्त लग रही थी, नहीं नहीं उस वक्त लग नहीं रही थी, सच बताओ तो उस वक्त तो फट गई थी जब उन्होंने हमारे पासपोर्ट मांग लिए थे। यार नहीं पता नहीं चला, पता चले यहाँ पे बांडे मारने के लिए लगा रखा, मतलब इतनी पहले आके फायदा क्या जब इतनी लंबी क्यू है। नहीं प्लेन में इतनी जगह है भी या नहीं, लोगों ने खड़े होके जाना, लोगों तो यही है। हम पहुंच गए दुबई के मेन एयरपोर्ट, जो भी हम बातें कर रहे थे वो सारा मजाक था, अब शुरू हुआ है दुबई का मेन एयरपोर्ट। एक्चुअली क्या है कि अभी हमें गेट्स नहीं मिले हैं किस गेट पे हमने जाना है, एंड यहाँ पे मैंने पूछ लिया है सिक्योरिटी गार्ड से कि यहाँ पे कैमरा अलाउड है या नहीं, उन्होंने बोला अलाउड है, तो आपने अपना शेर निकाल लिया।
भी बैठ गया है वापसी अपने इंडिया की तरफ। लेकिन जिस चीज़ की बात अपने पिछले ब्लॉग में की थी वो था गिव अवे। हमने क्या किया है कि जैसे आप भी अभी हमारी फैमिली के पार्ट ही हो और ये हमारा इकट्ठे पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, उसके चक्कर में हमने क्या किया कि दुबई से आपके लिए कुछ सोवेनियर्स लिए हैं। 3 सोवेनियर्स हैं, यानी कि 3 बंदों को वो सोवेनियर्स मिलेंगे आपको। मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो भी आपका मन करता है ना, मतलब कि कमेंट, क्योंकि कमेंट से ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका मन करता है वो कमेंट कर दो और उसमें से हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे 3 बंदों को और उनका उनके एड्रेस पे वो सोवेनियर्स भेज देंगे। बाकी मिलते हैं इंडिया पहुँच के। हमने बस अभी सोना ही है और कुछ नहीं करना। ब्लॉग पसंद आया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग कुछ नवी। हाँ।